हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज के टॉपिक में मैं आपको बायो सेवर्स लॉ की एप्लीकेशन को बताऊंगा, और जिसमें हमारा टॉपिक है कि बायो सेवर्स लॉ का यूज़ करके हम आज निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, और उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू द यूज़ ऑफ बायो सेवर्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे मैं 2D में बना रहा हूँ, ये सर्कुलर लूप बन गया। एक हमारे पास ये सर्कुलर लूप है, और जिसमें इधर करंट फ्लो हो रही है I, और इधर करंट आ रही है I, और इसको अगर हम स्मॉल dl एलिमेंट सपोज करें, dl एलिमेंट ये करंट एलिमेंट है, और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में होती है। हमने इस सर्कुलर करंट लूप का सेंटर ये मान लिया है O, और जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है ए। तो यहाँ पे मैंने इस करंट एलिमेंट से इस सेंटर वाले सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस करंट एलिमेंट से ए डिस्टेंस हमने ले लिया, जो कि इसका रेडियस भी है। तो ये जो सर्कुलर लूप है, ये छोटे 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 करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बायो सेवर्ट्स लॉ का अप्लाई करना है, बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज़ करना है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ एक कर में जो जो होता है वो हमें पता है कि क्या होता है बायो सेवर्ट्स लॉ, कि कोई हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके डीएल एलिमेंट को अगर हम डीएल एलिमेंट से किसी आर पोजिशन पर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँ, तो ये जो DB मैग्नेटिक फील्ड होता है इस करंट एलिमेंट की वजह से, वो कितना होता है, म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन का R2। इसी को यूज़ करके हमें इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों क्या है कि इसको हमने एक करंट एलिमेंट सपोज किया, और इस करंट एलिमेंट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने DB मैग्नेटिक फील्ड लिख ली। कितनी होगी, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन जो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर ए के बीच, यहाँ पे आर की जगह सॉरी यहाँ आर की जगह ए होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो यहाँ मैंने आर लिया है, तो अगर मैं इसको भी ए ले लूँ तो ए भी क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, लेकिन एंगल यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो DB जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन 90 हो जाएगा, और अपॉन का A2। तो ये सॉल्व होके साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, देन इसको हम म्यू नॉट 4 पाई I dl अपॉन का A2 लिख सकते हैं। तो ये जो DB मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है DB, उस करंट एलिमेंट DL की वजह से बन रही है। तो अगर सपोज करें कि ये जो सर्कुलर वायल है वो छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो इसको अगर हम DL का समेशन ले लें, यानी इसका पूरा लेंथ ले लें, तो ये टोटल मैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस टोटल वायर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो हमें निकालना है। फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B = क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन का A2। ये हमें समेशन ऑफ DL लिख लिया, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ DL यानी इसका समेशन कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ हो जाएगा इस सर्कुलर कॉयल का। तो सर्कुलर कॉयल का लेंथ मतलब इसका सरकमफेरेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन का A2, और ये हो जाएगा 2 पाई A, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई A होगा। A से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल जाएगी, म्यू नॉट 4
फोर पाई आई अपॉन फोर नहीं होगा, यहाँ पे पाई भी कैंसिल हो चुका है, तो म्यू नॉट अपॉन टू ए, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि किसी सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का टू ए होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो इस कॉइल में, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स एन है ना, अगर ये सिंगल एल एक कॉइल है तब तो ये होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन का टू ए। ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको जब सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसके एक्सेस पे, तो उससे भी मैंने एक्सेस की वैल्यू एक्स को ज़ीरो करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही निकाल के दी थी। तो दोनों बात सही है। जब आपका सिर्फ डेरिवेशन पूछेगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड या कैलकुलेट द या फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो आपको ऐसे करके दिखाना होगा, आप ऐसे करके दिखा सकते हो। वो वाला प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि उसमें हमें रिंग और वो डायग्राम वाइग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा एक लूप लो और इस तरह आप बायो सेवर्स लॉ का अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाल दो। तो यहाँ पे आपने बायो सेवर्स लॉ करके मैंने आपको तीन अप्लीकेशन इसके बताए। एक एक्स वाई लेंथ का कोई वायर है और इसकी वजह से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी निकल के आती है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकल के आती है, उसके लिए एक्सप्रेशन बनाया। तो क्या होता है उसका एक्सप्रेशन, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का फोर पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखाया था। उसके बाद मैंने बायो सेवर्स लॉ का यूज़ करके किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो आपके सिलेबस में इतना ही है, ये तीन जगह पे हम बायो सेवर्स लॉ का अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बायो सेवर्स लॉ ये है। और बायो सेवर्स लॉ के बाद अब आपका आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ का भी यूज़ करके हम इन सभी फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में वही पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो बच्चों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन लेक्चर विद एक्सप्लेनेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ सॉल्व कराया जाता है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि इन सभी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।